वेलकम टू गोरसाम मॉनेस्ट्री। ये 12th सेंचुरी में बना हुआ मॉनेस्ट्री है, बहुत ही पुराना मॉनेस्ट्री है। इंडियन आर्मी वेलकम्स यू टू वाइब्रेंट विलेज ज़ेमिथा। तो ये देखिए कितना बड़ा है ज़ेमिथांग विलेज, पूरा ऊपर से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आगे ऊपर एक स्टैच्यू भी है, जायंट स्टैच्यू ही है, लुक्स लाइक बुद्धा का होगा। ये तो एक्चुअली ज़ेमिथांग से जब आप तावांग वाला जो रोड है वो ज़ेमिथांग क्योंकि एकदम नीचे है, इट्स एट अराउंड आई थिंक 8,000 फीट और तवांग 10,000 फीट पे है। और हम लोग अभी माधुरी लेक होते हुए जाएंगे और अभी थोड़ा ऊपर क्लाइंब हो रहा है और उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे माधुरी लेक क्रॉस करने के बाद। तो बहुत ही पतली रोड है और आप देख रहे हो हर जगह पत्थर लगा है साइड में, यहाँ पर डेंजरस है। ये देखिए मतलब जरा सा आदमी चूका और गया इतना नीचे। बट हम लोग को तो ये पसंद है ना कि एक रास्ते से गए तो उसी रास्ते दोबारा नहीं जाएंगे, है भले हमेशा डिटोर करते हैं। डर तो नहीं लग रहा है? आए डर लग रहा है क्या? लग रहा है तो बताओ, तुम हो ना? हमें ना मम्मी पापा डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या बात है, आगे इतना दूर आए क्या है? अब वो आगे चलो, आगे चलो अब आगे क्या मिलेगा वही फल। जब ओखली में सर दे दिया तो मुंह सर से क्या डर है? अभी कोई डर डर का बात नहीं है, चलो अंधेरा होने के आगे हम बस पहुंचना है तावांग। हाँ अंधेरा से होने से पहले पहुंच जाएंगे, अभी तो मुश्किल से खाने के लिए जुगान करो भाई। हाँ खाने का बस वही माधुरी लेक पे ही मिलेगा जहाँ कल हम लोग ने खाया था। ये देखो क्या जिगजैग बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कोई तो पक्षी था बहुत अच्छा सा था, कुछ तो था, उसका नाम नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, अपने डैश कैम में आया होगा, निकालो डैश कैम से फुटेज। Yeah.
ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर आ चुके हैं और आपने देखा होगा रोड नीचे से ऊपर कितना एकदम zigzag zigzag. जो सिक्किम में जुलुक वाला जो रोड था, जो सिल्क रोड, उसमें भी ऐसे ही कुछ था, zigzag zigzag पूरा एक ही पहाड़ में आप बहुत ऊपर आ जाते हो. तो ऐसा है, अभी यहाँ से 17 किलोमीटर रह गया है, ती गुंपा करके है जो 4 किलोमीटर पहले है संगीतसर लेक से, तो वहां पहुंचते. अरे ये वाला देखो क्या सुंदर है, ये क्या है, व्हाट इज दैट? ओले presence on my skin, I feel you spreading out within. It's time you got a hold on me. पहली बार देखा, मतलब मैंने तो पहली बार देखा. इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने देखा नहीं, इसको किताबों या कहीं पर पढ़ा हुआ है. इसका नाम बहुत अच्छा सा है. थोड़ा सा बाहर निकले हम ड्रोन उतारने के लिए, तो पूरा टायरों से बदबू आ रही थी, क्योंकि देखो ना जैसे ही हेयर पिन बेंड पे गाड़ी चलती है तो पीछे टायर नाच जाता है. रियर व्हील ड्राइव है उसी में, लेकिन बिल्कुल एकदम से चलाई आ जाती है, घूम लेते हैं ना. हाँ, पूरा घूम जाता टायर. ब्यूटीफुल. So, देखो ये लास्ट लेग है पल्ली, उसके बाद इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट. पल्ली गए, बाप रे बाप, कौन रास्ते ले आए, वही रास्ता है. अरे बाप रे, लेकिन हम जब भी चलते हैं महिंद्रा के भरोसे पे चलते हैं. बस हो गया, तुम अभी चलो पहले तवांग, जब तक पहुंच ना जाओ तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो. नहीं, मुझे मजा आ रहा ना, गाड़ी वन मतलब एक हाथ से आप चला सकते हो, बिल्कुल फेदर टच इसका स्टीयरिंग है, मजा आ गया मुझे. सो ये देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सारे नज़ारे केवल आपको हमारे ही चैनल पे दिखेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हैं हमेशा नए रूट, सेम रूट ज्यादातर अवॉइड करते हैं. देखो बस हम लोग ऊपर आए हैं, वो गांव अभी भी विजिबल है. तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, अब ठंड हो गई है. ऊपर नीचे 20-23 था टेम्परेचर, अभी यहाँ पे 13 डिग्री. कमी कहे 4G क्यों आ रहा है, यहाँ देखो टावर लगा हुआ है इतनी ऊपर में, गांव गांव कनेक्टिविटी हो गई है. ये कुछ तो गांव पहुंच गए हैं हम लोग, मस्त. यहाँ मेरे ख्याल से बर्फ बर्फ गिरती होगी, तो ऐसे बने हुए हैं. सो अंडरग्राउंड शेल्टर लग रहा है ठंडकों में बचने के लिए. तो ये देखिए ऊपर बर्फ और एक और वाटरफॉल बहुत दूर में ये, और नीचे देखिए बिल्कुल जैसे एक विंडोज वॉलपेपर, और सारे याक चर रहे हैं, और एक बढ़िया सा वॉलपेपर. क्या सुंदर वॉटरफॉल एक है, ओ सो नाइस. मतलब रास्ते में ऐसे जा रहे थे एकदम अनएक्सपेक्टेड, इतना सुंदर, वाह. सो अब 7 किलोमीटर पहले हम लोग ती गोम्पा से 7 किलोमीटर पहले देखिए कच्ची रोड शुरू हो गई है, और
हमें याद है जब लास्ट हम लोग बुमला पास के लिए गए थे और माधुरी लेक गए थे, तो वहां से टी गुम्पा के लिए भी कच्चा रोड था. सो लेट्स सी. ठीक है, नहीं ये बाहर जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर वाली रोड होगी. खैर ये गलत रोड में हम लोग मुड़ गए थे, हम लोग को ऊपर ही जाना था. फिलहाल लेकिन कच्चा रोड शुरू हो गया है. अभी यहाँ से 53 किलोमीटर बता रहा है. अच्छा वो आगे जाके कहीं से यू टर्न बता रहा होगा. अभी सही होगा इधर मोड़ने पे. बैक कर लो. इलेक्ट्रिकल पोस्ट के साइड साइड में जाना है. यही साइन है. यही साइन बोर्ड है. ऊपर देखो बर्फ है. बर्फ है. थोड़ा रोड खराब था, अभी फिर से सही हो गया. सही हो गया. 7.7 किलोमीटर. अच्छा पाइन ट्री का ही है ना, माधुरी लेक में ऐसे निकले हुए हैं सरी टाइप्स. हाँ ऊपर देखो ना पूरा वैसे. अब रोड खराब हो गई है, देख सकते हैं रोड खराब हो चुकी है. और एक वाटरफॉल, सुंदर सा वाटरफॉल, छोटा है लेकिन अच्छा है. I'm pretty sure कि अरुणाचल को बोलते होंगे लैंड ऑफ मोस्ट वाटरफॉल्स. लैंड ऑफ राइजिंग सन तो है ही है, बहुत वाटरफॉल्स हैं. और देखो साइड में नदी जा रही है, इतना सुंदर लग रहा है. रास्ता बया थोड़ा सा है, स्मॉल स्ट्रेच. फिर से आगे देखिए आने वाला है zigzag zigzag, उसके सीधे हम लोग गुम्पा पहुंचेंगे. सो अनदर 1.5 किलोमीटर टी गुम्पा के लिए. रास्ता आप देख सकते हो बहुत ही खराब रास्ता है. इतना दूर हम लोग इतना अच्छा रास्ते से आए और ये थोड़ा सा माधुरी लेक तक आई गेस खराब है और पूरा धुंध हो गया है, तो टी गुम्पा भी नहीं देख पाएंगे. अभी 5 किलोमीटर का स्ट्रेच मुझे लग रहा है खराब है ना. हाँ. मतलब बीच बीच में है लेकिन बहुत खराब है. हाँ. बहुत ज्यादा. लेकिन स्कॉर्पियो के लिए कुछ नहीं है. क्लाइंबिंग लाइक अ माउंटेन गोट. इतना ऊपर आके गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है. चलो कोई तो जनजाति का प्लेस मिला. पल्लवी और मम्मी पापा की सांसें अटकी हुई थी बहुत देर से, जब से वो विलेज से चढ़े थे. ओ देखो एक और, देखो और क्या है. तो ये कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहाड़ों के ऊपर, कैसे कैसे जगह पे लोग बसे हुए हैं. सीरियसली फिर भी मानना पड़ेगा कनेक्टिविटी है यहाँ पे. मतलब ट्रक भी आना चाहे तो आ सकती है. सो हम लोग टी गुम्पा के आसपास हैं, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि कुछ दिख नहीं रहा है. देखते हैं आपको दिखा पाते हैं कि नहीं. तो ये है देखिए टी गुम्पा. सोचा था बढ़िया से ड्रोन शॉट दिखाएंगे आपको चारों तरफ. भैया रास्ते से हटियो, हट जाओ तो हम चले जाई. आए मार ना दियो, नहीं बड़ा आग से फिर से हमको बनवाना पड़े आड़ी मोटर्स में. सीधा है सीधा है. सीधा है सीधा. थैंक यू थैंक यू. ये याद है ना ये ब्रिज, यहीं से हम लोग यू टर्न किए थे. ये तो माधुरी लेक. अच्छा माधुरी लेक भी कुछ नहीं दिख रहा है. तो देखो बर्फ पड़ी है कल रात की है. कल नहीं थी ना. सो कल जब हम लोग आए थे आपने
एक वीडियो पहले या दो वीडियो पहले देखा होगा आपने कि यहाँ पर कोई भी बर्फ नहीं था, ये ओवरनाइट पड़ी है रात को। अरे दुकान आप देखिए पूरा बर्फ गिरी है ये रात में, कल जब आए नहीं थी। क्या मस्त भद्रता से चले, देख रही हो, इनको पता चल गया कि बटन से कुछ होता है वहाँ पर, बटन सब बटन दबा रही है। ये वाह वाह वाह, तुम्हारा सेरेलेक मानवी वाह। तो हम लोग आ गए हैं वही होटल जो हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे माधुरी लेक, तो वहीं पे यहीं पे खाए थे। अभी भी थोड़ा सा सुबह से अभी लंच तो हुआ नहीं। वी हैव सम मैगी एंड टी। मैगी एंड टी एंड मानवी विल ईट सेरेलेक। सो इतनी तेज भूख लगी थी तो हमने फटाफट खत्म ही कर दिया, हम लोग ज्यादा दे दिया। खाइए खाइए, आप लोग खाइए, अभी दो घंटे में तो खाना ही खाना है। 5 बज गया है, देखिए 4:54। चलो भाई 400 रुपये में 4 चाय और 6 मैगी। कल भी इतना ही पड़ा था। हाँ इतना ही पड़ा था बस। कल में क्या था, 4 मैगी थी, नहीं 4 नहीं, कल 2-4 मैगी थी हाँ, और 2 फ्राइड राइस थे। तो अभी तो पूरा स्नो मिलेगा रास्ते में। हाँ। और अंधेरा होने वाला है। स्नो ड्राइविंग होगी, नाइट ड्राइविंग, स्नो नाइट ड्राइविंग। 5 बज रहा है और अभी देखिए पूरा धुंध है, पूरा धुंध। ये शायद रात को स्नोफॉल हुई थी, पूरा स्नो रास्ते के साइड साइड में है, मजा आ रहा है। तो यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर होगा, यानी 42 है। सो 42 किलोमीटर है तवांग के लिए, 1-1.5 घंटा मान के चलिए। सो 6:30 बजे तक पहुँचेंगे। अभी एरिया जो है पूरा स्नो मिलेगा हम लोग को, और पूरा आपका जो इंडियन आर्मी का बेस कैंप बीच बीच में होते हुए जाएंगे। सो ये उस कल आए थे तो हम लोग को ये नोन प्लेस है, तो इसलिए ओके है। यहाँ पे रोड बनी हुई है, बस जो माधुरी लेक से जो टी गोम्पा वो रोड खराब है, और फिर टी गोम्पा से और 5 किलोमीटर नीचे खराब है। अब थोड़ा सा उजाला हुआ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग वैली से आ रहे थे तो पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था, अभी उजाला उजाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो देखो 5 डिग्री चल रहा है अभी टेम्परेचर, 5 डिग्री ऊपर हो रहा होगा। हाँ हम लोग बुमला की तरफ जा रहे हैं ना, तो 15,000 एटलीस्ट 14,000 तो जाएंगे ही जाएंगे, 14,000-14,500। क्या हुआ मानगी, व्हाट यू वांट, तुम आगे आओगी फिर से? धुंध मस्त है, थोड़ी देर में बादल आता है जाता है आता है जाता है, बारिश होती रहती है, तो बादलों के बीच में है तो थोड़ा थोड़ा बाछाड़ पड़ी रहेगी। लेकिन ये देखो ना, आर्मी वाले वॉक करके जा रहे हैं इतनी ठंड में भी, उन लोग मस्त। ये देखो यहाँ पे भी एक खड़े थे। 3 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। 3 डिग्री बाहर में। महिंद्रा का सेंसर 3 डिग्री दिखा रहा है। यू वांट एक्सपीरियंस 3 डिग्री? कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, एकदम नहीं दिख रहा है। जीरो विजिबिलिटी। दो साइड बर्फ, मतलब बर्फ है और बीच में काला काला बस दिख रहा है, तो चले जा रहे हैं। और ये बहुत स्लो जा रहे हैं, मतलब एकदम से कहते हैं हेलुसिनेशन होता है ऐसे में, कि आपके सामने लगता है हाँ रोड जा रही है और तुम घुस गए उधर। बहुत स्लो स्लो इन कैमरा में फिर भी थोड़ा सा साफ दिख रहा है। कैमरे में साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं है शीशे में नहीं दिख रहा है। सची तवांग यही जाएगा ना, तवांग का रास्ता यही है ना। ओके ओके थैंक यू। क्या हुआ? इधर इधर सीधा या लेफ्ट है?
सीधा ओके ओके थैंक यू लेफ्ट घूमना है क्या ओके सीधा जाना है तो लेफ्ट बुमला था शायद बुमला की रास्ता क्या एडवेंचर हो रहा है भाई क्या एडवेंचर हो रहा है 15,000 फीट की ऊंचाई पे कैसा लग रहा है फट रही है हमें तो मजा आ रहा है रहन दो सबकी फट रही है रहन दो आराम से स्लो स्लो में चलो बगैर साइड का या तो मैं स्नो देख के चल रहा हूँ और या फिर साइड में एक पट्टी है और या फिर ये रेलिंग आर्मी वालों का गाड़ी कैसे जाता होगा उन लोगों का डेली का है ना तो हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर आए हैं अब साइड साइड की आइस जितने भी स्नो पड़ी थी वो डिसअपीयर हो रही है और हल्का हल्का दिखना शुरू हो रहा है फाइनली थोड़ा कुछ क्लियरली दिख रहा है अभी अब हाई बीम पे दिख चला सकते हैं पहले लो बीम पे चलाए थे अभी हाई बीम पे चला रहे हैं अभी सब दिख रहा है उड़ता तीर लिया था तुमने उड़ता तीर नहीं लिया था उसका एडवेंचर कहते हैं फन सोचो कितना लंबा हम लोगों ने टूर मारा पूरा उधर से तवांग से लुमला जेमिथांग फिर पूरा पीछे पीछे साइड से माधुरी लेक निकलते हुए ये कौन कर पाएगा आई डोंट बिलीव किसी ने किया होगा अभी तक दूसरा आते में डर करेगा कोई भी डर जाएगा डर जाएगा रास्ता हाँ पूरा लेके चले इट्स ऑल अबाउट महिंद्रा इन द ड्राइविंग स्किल्स पल्लवी पर पंटर का भी बहुत बड़ा रोल है तुम साइड साइड देख के चल रही थी हम इधर वाले देख के चल रहे थे फाइनली यहाँ पे आलपी दिखाना पड़ेगा क्या बंद है भैया बहुत दूर से आए थे गए नहीं थे इधर तवांग 6 किलोमीटर हमारी होम स्टे 8.6 किलोमीटर वो भी कंफ्यूज हो गया नंबर दीजिए इधर जबकि हम लोग इधर से गए नहीं थे पूरा लुमला और यमीतांग होके आए हैं तो हमने बोल दिया कल का 59 नंबर था आप देख लीजिएगा तो न्यू मार्केट में सोवेनियर शॉप में हम लोग थोड़ा गिफ्ट शॉपिंग किए थोड़ा सा क्रॉकरी का सामान खरीदा बाउल कप्स बहुत क्यूट क्यूट से कप्स बाउल्स मिले तो खरीद लिया मस्त सामान वैसे ये वाला मेरे को बहुत मन था ये कैसरोल टाइप का है ये ट्रेडिशनल है बट थोड़ा सा कॉस्टली है कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी ना आयता सुन रही ना मामी बुलाओ मम्मी बुलाओ मम्मी मम्मी को बोला मम्मी मम्मी कोका को बोला कोका बोला काका भैया कितना सामान ले लिया अरे बाप इधर भी और मानवी चिल्ला चुके मम्मी 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 चिल्ला चिल्ला के बेचारी देखो आ गई मम्मी आ गई आ गई आ गई बहुत ही एक्साइटिंग और डेंजरस और एडवेंचरस से भरा हुआ ट्रिप खत्म हुआ थैंकफुली वी आर बैक टू तवांग बहुत डर लगा जाते समय एक तो सुनसान रोड जो जेमिथांग से जो ऊपर टी गोम्पा तक जो रास्ता था और माधुरी लेक तक वो पूरा बहुत ही खराब था और डर लग रहा था क्योंकि ज्यादा गाड़ी वाड़ी तो आई नहीं रहे थे हम ही लोग चल रहे थे और रास्ता भी खराब था और बहुत ऊपर चढ़ रहे थे तो वो एक था एडवेंचरस और जब मतलब माधुरी लेक पहुंचने के बाद चाय वाय पी के हम लोग ने सोचा कि चलो ये रोड तो हम लोग कल आए थे आराम से अभी कवर कर लेंगे लेकिन उसमें इतना धुन मतलब जैसे तो आए हैं एक तरफ मानवी चिल्लाए जा रही है उस वो क्रैंकी हो रही है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उसी में मेरे को घबराहट होने लगी और पापा तो ऑब्वियसली घबरा तो रहे हैं लेकिन जता नहीं रहे थे लेकिन हाँ बहुत क्योंकि पूरा आइस है वाइट ना आगे भी वाइट साइड साइड वाइट तो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कैसे तो वो जो 1 आवर का स्ट्रेस था वो सही में सबके लिए स्ट्रेसफुल था एनीवेज
एवरीथिंग इज वेल देट एंड्स वेल. सो अभी घर वाप आ गए हैं सही सलामत और रेस्ट लेते हैं. आज का दिन हमें तो बहुत मज़ा भी आया, एडवेंचरस भी था, डेंजरस भी लगा, डर भी लगा, सब कुछ लगा. अगर आपको भी ये देख के पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप भी ये टूर कंप्लीट करना चाहते हो तवांग से लेके ज़ेमिथांग होते हुए फिर से माधुरी लेक होते हुए तवांग, ये कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलेगा ताकि तो आप जल्दी दिन ही दिन में पहुंच जाए. तुमने साग बोला था, बढ़िया साग और आलू. तो आज हम लोगों ने वेज खाना ऑर्डर किया है, सिंपल राइस दाल आलू भुजिया. और बोला था साग ऑर्डर मतलब बनाने के लिए, तो ये लोकल कुछ साग है, दिखने में तो लाई साग जैसा लग रहा है. तो वो है पापड़ है, आलू भुजिया, दाल राइस और प्याज. तो बढ़िया लग रहा है खा के. तुमको कैसा लग रहा है? मुझे तो बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा खाया है लेकिन अच्छा है, आलू आलू बढ़िया है. तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय.